बचाने का है। बुडुप्पल उप्पल ये लो वहाँ के पुलिस ऑफिसरों को बुलाए, रिवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाए, जीएचएमसी को बुलाए, बुला के जो है उस पर रिव्यू करे। वो मीटिंग में जो है ना जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, बहुत सारे लोग वक्फ प्रॉपर्टी के भी पैसे कंपनसेशन अगर रोड मेंडिंग में गया तो हमारे को देव बोल के जीएचएमसी को भी लेटर जाके वहां पर मांग करे। तो सब वक्फ प्रॉपर्टी का पैसा अगर कंपनसेशन है, रोड मेंडिंग जारी प्रॉपर्टी है तो उसको अगर रोड मेंडिंग जारी तो वकबोर्ड के नॉलेज में लाना, सीओ के यहाँ से लेटर मिलने के बाद ही उसको छीना वक्फ प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज जो है ग्रेवयार्ड से, तो ऑलवेज ग्रेवयार्ड क्यामत तक ग्रेवयार्ड रहता हो, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसको ग्रेवयार्ड को मेट के अगर कंपोजिशन दिए तो हमारे को पैसा नहीं चाहिए वकबोर्ड को। और दूसरी बात यह है कि जितने इंक्रोचमेंट है उसको तो हम वहां पर वो एरिया में भी हम लोग 300 एकड़ पर्सन केस भी जीत चुके हैं, ये तो पूरे मीडिया में भी आया, अभी भी बोल रहा हूं मैं। और जहां जहां है कल भी हम लोग जो है पहाड़ी शरीफ में इंक्रोचमेंट करके जो है ना बाउंड्री आउटर लेके घर बना लिए थे लोगों, वो भी कल डिमोलिश कराए हम लोग बगैर इजाजत, मालूम ही नहीं है हमारे। रातें रात जो है बाउंड्री उठा के 15-20 बाउंड्रियों को कल डिसमार्क कर दिए, क्योंकि लैंड ग्रैबर्स लैंड माफिया को हम छोड़ने वाले नहीं है। ये लोग समझ रहे होंगे मतलब वकबोर्ड ऐसे चलता बोलते, नहीं अभी वकबोर्ड भी जो है ना सीरियस, पूरा डिपार्टमेंट एक्टिव है हमारा इस वक्त, इसमें जो है ना हम लोग कोई कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सीओ साहब पूरे ऑफिसर्स हमारे रात दिन ये काम में लगे हुए हैं। जहां भी इंक्रोचमेंट है लॉयर्स को भी हम लोग कंसल्ट करके जो ना लीगल ओपिनियन लेके हम लोग जहां जहां जो एक्शन लेना है पूरे ऑफिसर सीओ वगैरह हम लोग सब मिलके एक टीम वर्क करके काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जहां जहां इंक्रोचमेंट हुआ आज तक जो नहीं हुआ, अभी सीरियस हम लोग काम कर रहे हैं इसको। आने वाले टाइम में हम लोग हमारी चीज जो इंक्रोचमेंट करे जितना हो सकता हमारी नॉलेज में जो भी आ रहा हम लोग उसको हासिल भी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी और भी कहीं कुछ इल्लीगल बनाए तो उसको भी हम लोग डिमोलिश करेंगे उसको पूरी तरीके से। जहां पर छोटे 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 लोग नहीं, बड़े लोग रहो छोटे लोग रहो हर जगह हम लोग जो करना है बराबर कर रहे हैं, बगैर परमिशन बना लिए, मालूम ही नहीं है और बनाते कैसा वक्फ लैंड पे, दरगाह की लैंड है बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी की, जाके घर बना लेते हैं। हमें तुम्हारे घर में आके रहेगा तो एक रूम छोड़ देते मेरे को। आप यहाँ हैदराबाद में बैठ के बोल रहे हैं, वहां पर अभी कलेक्टर से वही बात कर रहे थे आरडीओ से, वहां छोड़ना नहीं है बोले। आपको विजुअल बता दूंगा, नहीं नहीं विजुअल कल लाए होंगे कोई भी नहीं थे खुद। अब वहां पर जाके देखिए पूरा हमारा स्टाफ भी लगे हुआ है, ऑफिसरों को भी कल एसपी को भी बात करा मैं, अभी भी फोन वहीं से आया, मैं बोला कुछ भी करके कोई हमारी चीज हम लेना है। ये जो एरिया के जो लोग एक्टिव है अभी तक जो लापरवाही कर रहे थे वो लोग ट्रांसफर भी कर रहे हैं और सस्पेंड भी कर रहे हैं एक दो जनों को बीच में। अब यहाँ से जो है ना बिल्कुल हम मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं सीओ साहब हम लोग मिलके इंशाल्लाह जो है ना हमारी चीज हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। की खबर का आज तक आप आगे विजिट करें, आज से लग गया ना साहब, आप देखना अब उस दिन गए देखे ना, वैसी से आज तक इंशाल्लाह एक दिन वो भी याद नहीं करते बुलडोजर फिराने का, समझे गए मजा है ना। अब कल जैसा कि हम एक लैंड ग्रैबर बेचा, एक दो लैंड ग्रैबर मिलके बाड़ी शरीफ में बेचे, गए होगा भागा उन्हें, क्रिमिनल केस भी हम लोग बुक करो बोल के वहां पर पुलिस भी थी जब का भी एक तरफ, समझे आप काम हो रहा तो जहां जहां मालूम होते जा रहा हूँ करते जा रहे पूरा स्टाफ लगे हुआ आज की डेट में। और एक बात ये मालूम, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए थे वो शाहनवाज कासिम साहब के दौर में, मेडिकल चेक कराए थे वो फेक डॉक्यूमेंट्स निकले, तो फिर दोनों वहां से गायब होके 6 महीने के बाद आके फिर वो सैलरी 18 महीने की सैलरी कुछ उठा रहे भी कर। कोई फाइल नहीं है मेरे पास, ये फेक अफवाह है, फेक अफवाह को उसको अटेंड मत करो। हाँ बिल्कुल लाइए आप, या फाइल तो मेरे पास आती हो, चलिए ये तो मैं बोल रहा हूँ।